एक चीज जो थॉमस शेल्बी में उसके बाकी छवि के साथ उभर के आती है पूरे सीरीज में, वो है उसका औरतों के साथ रिश्ता, हिज रिलेशनशिप विथ वुमेन। युद्ध ने उसके मन में जो संदेह पैदा किया होता है हर चीज को लेके, चाहे फिर वो ईश्वर हो, रिश्ते हो या समाज हो, उसकी जिंदगी में कसम का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ना प्यार का कोई मतलब। Tommy, I'd ask you to swear on the Bible, but you can't swear on that, can you? Nothing you hold sacred. थॉमस किसी को देख के खुद को भूल जाए ऐसा नहीं रहता। He was not a hopeless romantic. वार के बाद तो एकदम ही नहीं। अगर कुछ था तो उसे womanizer कहना ज्यादा सही होगा। You wanna fuck me, Mrs. Carlton? You have a horse. Yes, I have a horse. The horse is why I'm here. थॉमस शेल्बी बहुत लड़कियों के साथ वनरेबल होता है, उसमें भावनाएं आती है, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं बदलता है किसी के लिए, वो आगे बढ़ जाता है, कोई बाधा नहीं बनता उसके मकसद में। ऐसे हम भी बहुत लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, समय बिताते हैं, दोस्ती होती है, हम जेन्युइनली उनका ख्याल रखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ कुछ हो तो हमें भी खराब लगता है, लेकिन उनका दुख हमारे बेचैनी का कारण नहीं होता। बेचैन तो सिर्फ हम अपनों के लिए ही होते हैं, और थॉमस को ग्रेस में यही अपनापन मिल जाता है। ग्रेस का उसकी ज़िंदगी में एक अलग स्थान बन जाता है, वो उसके लिए अपने रास्ते बदलने की भी कोशिश करता है, वो खुद को भी बहुत मायनों में बदल देता है। उसके ज़िंदगी में जो घोर सन्नाटा छाया होता है वो ख़त्म होने लगता है, उदासी की कुहासा में धूप फूटने लगता है। वरना युद्ध के बाद तो उसे बस आगे ही बढ़ना था, कहाँ जाना है पता नहीं, लेकिन रुकना नहीं है। उदासी का भी यही अर्थ है, उदासी तभी आती है ज़िंदगी में जब एक पड़ाव आ जाता है और आगे का कोई विकल्प नहीं दिखता है, वही चीज़ बार बार दोहरा दोहरा कर करना, ना उसमें कोई आनंद है ना कोई रस, फिर भी किए जा रहे हैं, करना पड़ रहा है। पीकी ब्लाइंडर्स शो में जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि देन वी पीकी ब्लाइंडर्स विल रेस्ट, बस ये आखिरी बार, लेकिन ये आखिरी बार कभी होता नहीं है, और थॉमस के जीते जीते तो कभी होगा भी नहीं। थॉमस सुसाइड मिशन में होता है, एडा शेल्बी गलत नहीं होती है जब उसे कहती है और ग्रेस के मरने के बाद थॉमस और भी टूट जाता है, और भी अकेला पड़ जाता है, और यही होता है। कभी कभी हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमारे मन में दूसरे तरह के ख्याल के लिए जगह ही नहीं होता है, वही चीज़ बार बार आपको सताती रहती है, और ऐसे स्थिति में भी हम अकेले पड़ जाते हैं, हम किसी को अपने मन में आने ही नहीं देते, कोई बगल में खड़ा होता है और हम उसकी उपस्थिति को स्वीकारते नहीं, एवरीथिंग बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंस, ऐसे जैसे आपको आपके गम के साथ अकेले किसी टापू पर छोड़ दिया हो। और क्योंकि हम इस वीडियो में थॉमस शेल्बी के रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं और ये चीज़ हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा है, हमारी भी बकझक होती रहती है हमारे पार्टनर से, कभी बात नहीं बनती है, कभी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं, और इसके लिए एक किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये किताब हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देती है मैन और वुमेन को लेके, उनके सोचने के तरीके को लेके। हर कोई चाहता प्रेम भाव के साथ रहे, लेकिन बयां करने का तरीका अलग अलग होता है। आप इस किताब को अपनी सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो, और अच्छी बात यह है कि इसकी आप बुक समरी सुन सकते हो कुकू FM ऐप पे, अगर आपके पास समय नहीं है तो। साथ और भी इस तरह की अच्छी अच्छी ऑडियो कंटेंट को सुन सकते हो इस ऐप पे, कहीं भी और कभी भी। कुकू FM इंडिया की लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां 4000 से भी ज़्यादा नॉन फिक्शन ऑडियो शोज़ हैं। ये एक इंडियन ऐप है विथ ओवर 4.5 प्लस रेटिंग्स। कुकू FM के द्वारा आप अपनी लाइफ को आसान तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। यहाँ बायोग्राफीज़ की अच्छी कलेक्शन है, सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी से रिलेटेड भी कंटेंट है, और ये चीज़ आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो, कहीं भी और कभी भी। वैसे तो इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन आती है 399 रुपये में, लेकिन एक लिमिटेड सेल चल रहा है 19 जून तक, जहां अगर आप घर 50 कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 399 के जगह इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पे करने होंगे मात्र 199 रुपये, ताकि आपके घर के सभी मेंबर्स को इस अनलिमिटेड नॉलेज की एक्सेस हो। तो कुकू FM ऐप को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जहां तक कहानी की बात है, शो में थॉमस दो लोगों से ही प्यार किया होता है, एक तो ग्रेस और दूसरा फ्रांस से पहले उसे जिस लड़की से प्यार था, ग्रेटा जुरोसी, जो बीमारी के कारण मर गई थी। तब थॉमस एक जवान हंसता खेलता लड़का था, उसमें ना कोई दाग थे ना घाव, लेकिन युद्ध के बाद वो जेन्युइनली जिससे प्यार किया होता है वो बस ग्रेस ही थी। बाकी जिसके साथ भी थॉमस होता है, या तो वो अपने गम को भुलाने के लिए होता है या अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए। ग्रेस के बाद जब टॉमी लीजी से भी शादी करता है या करना पड़ता है, तभी उसकी स्थिति ऐसी ही रहती है, उसमें कुछ सुधार नहीं आता है। और लीजी के साथ तो उसे खुद को बदलने का दबाव भी नहीं होता, ग्रेस के साथ कम से कम वो खुद को बदलने की कोशिश भी करता है। लीजी क्योंकि उन लोगों के साथ ही रही है, उसके शादी से पहले वो पीकी ब्लाइंडर्स के साथ इन्वॉल्व रही है, लीजी पढ़ सकती है टॉमी को, और टॉमी भी प्रिटेंड नहीं करता उसके सामने जा दे।
और इसीलिए दोनों में आर्ग्यूमेंट भी बहुत होता है। To put a black Madonna around her neck. You listen to Esmeralda the same way you listen to a fucking doctor. You hear me? Fucking gypsy stuff. Yes, it is gypsy fucking stuff. They say yes, it fucking is. And you get curly there. हमें लगता है कि हम सामने वाले को समझ गए। बाप सोचता बेटा को समझ गया, बेटा सोच रहा बाप को समझ गया, पति सोच रहा पत्नी को समझ गया, पत्नी सोच रही पति को समझ गई है। ये जो श्योरिटी आ जाती है हमारे अंदर, इतना जो कन्विक्शन है कि हाँ हम जानते हैं, यही समस्या बन जाती है। हाँ ज़रूर आपको कोई थोड़ा बहुत जान सकता है अगर वो आपके साथ समय बिताए तो, लेकिन आपके होने का जो अर्थ है वो सिर्फ आपको ही पता है। आपके दुनिया को देखने का जो तरीका है वो सिर्फ आपका है। आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी सिर्फ आपकी है, उसे दूसरा कोई शेयर नहीं कर सकता। आपके साथ जो होता है उसे सिर्फ आपको ही झेलना पड़ेगा। हाँ लोग हौसला दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, कोई अपना हो तो चिंता कर सकता है, बेचैनी उठा सकता है आपको लेके, लेकिन जो चोट है, जो दर्द है, जो डर आपको सता रहा है, उसे आपको ही अनुभव करना पड़ेगा। और हम भी दूसरों के गम को अपने अनुभव के आधार पर ही समझ पाते हैं। किसी के घर में कोई मरता है, किसी के पिता का देहांत होता है, तो उस व्यक्ति के दुख को हम अपने पिता से लगाव से ही समझ पाते हैं। बुरी तरह से किसी के जलने से हम भी सिहर उठते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत कभी ना कभी जले हैं। सच तो ये है कि आपका अनुभव ही सिर्फ आपका अपना है, बाकी सब पराए। लेकिन जब भी हम किसी अपने को खोजते हैं तो हम हमेशा अपने से बाहर ही देखते हैं, जैसे हमारे अंदर कोई हमारा अपना नहीं, जैसे हम हमारे अपने नहीं। थॉमस जो कुछ भी करता है सिर्फ थॉमस ही क्यों, हम खुद भी जो कुछ करते हैं, चाहे वो चीज़ों के पीछे भागना हो, पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ना हो, पावर या ड्रग्स के नशे करना हो, या किसी काम में खुद को खोना हो, या किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्व देना हो, ये सारे उपाय जो हमने ईजाद किए कहीं ना कहीं ये अपने अकेलेपन को दबाने के लिए, उसे झुठलाने के लिए, अपने अकेलेपन से पीछा छुड़ाने की चेष्टा है। लेकिन होता क्या है, बार बार फिर से ये तन्हाई हमारी ज़िंदगी में वापस दस्तक देती है, हमारे रिश्तों में ये दरार कर कर के बाहर निकलती है। और ये इसलिए क्योंकि अकेलापन हमारा पीछा नहीं कर रही है। अकेले तो हम हैं, अकेला होना हमारा स्वभाव है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। जैसे अंधकार का कुछ किया नहीं जा सकता है, हम दिया जलाते हैं तो हमें लगता है अंधेरा ख़त्म, लेकिन आप दिया बुझाओ, अंधेरा वहीं के वहीं है, टस से मस नहीं हुआ। डाविंची ने कहा है, अगर पेंटिंग करनी हो तो पहले कैनवस को काले रंग से रंग दो, फिर उस पर कुछ करो, क्योंकि यूनिवर्स इज ऑल डार्क एक्सेप्ट वेयर देयर इज लाइट। अंधकार ब्रह्मांड का स्वभाव है, रोशनी आती जाती है, रोशनी उत्पन्न होती है, अंधकार नहीं, अंधकार तो बस है। उसी तरह से अकेले तो हम बस हैं, लोग आते जाते रहेंगे, भीड़ आती जाती रहेगी, लेकिन आपकी तन्हाई हमेशा आपके साथ है, और इससे ना लड़ा जा सकता है, ना दबाया जा सकता है, और ना ही इसे झुठलाया जा सकता है। अकेलेपन को तो बस समझा जा सकता है और इसे स्वीकार किया जा सकता है।